हेलो गाइज, आपका हमारे चैनल जीरो टू इन्फिनिटी में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपको भी सैमसंग A73 में हेडफोन जैक प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल जीरो टू इन्फिनिटी को सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जो मैं करूँगा, स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने डिवाइस की सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद जाना है आपको ऐप्स वाले सेक्शन पे। तो जैसे यहाँ पे मैं ऐप्स वाले सेक्शन पे आता हूँ, तो यहाँ पे आने के बाद जाना है मैनेज ऐप्स में। तो मैनेज ऐप्स में हमें डिफरेंट टाइप्स के ऐप मिल जाएंगे, तो यहाँ पर हमें सर्च करना है साउंड को। तो साउंड को यहाँ पर सर्च करना है क्योंकि हमारे स्पीकर जैक में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे स्टोरेज पे जाना है इसकी, और स्टोरेज पे जाने के बाद क्या करना है हमें, इसको स्टोरेज पे जाने के बाद इसका क्लियर कैच और क्लियर ऑल डाटा कर देना है। सारा का सारा डाटा हमें यहाँ से क्लियर कर देना है, और सारा डाटा क्लियर करने के बाद यहाँ से बैक आना है, और बैक आने के बाद ऐप परमिशन पे जाना है और सारी परमिशन इनेबल कर देनी है वन बाई वन। तो ये सब करने के बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ से बैक आ जाना है सारी परमिशन इनेबल करने के बाद। और बैक आने के बाद हमें क्या करना है, हमें सेटिंग में जाना है एक नए फीचर पे, हमें जाना है अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद एक बार अपने डिवाइस को अपडेट कर लीजिएगा। कभी कभी क्या क्या होता है कि कुछ ग्लिच आ जाती है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में, तो एक बार अपडेट करोगे तो नई अपडेट में जो आपकी डिवाइस की कंपनी है वो उस अपडेट को ग्लिच को सॉल्व कर देता है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल जीरो टू इन्फिनिटी को सब्सक्राइब करें ऐसी नए नए इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। अगर कोई क्वेश्चन होगा इस वीडियो का रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।